दोस्तों नमस्ते। तो दोस्तों आप लोगों को जैसा बता रहे थे हमारा काम बंद हो गया था, तो देखिए यही रूम बस पलस्तर हो पाया है। देखिए ये वाला रूम बस पलस्तर हो पाया है, ये देखिए भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, नीचे देखिए ऐसे सब पड़ा हुआ है, कुछ सही नहीं हुआ है और काम रोकना पड़ा है दोस्तों। बस सोचे हैं लाल छोटा सा ब्लॉग बनाकर दिखा दे आप सभी को। देखिए यही है मेरा घर जो पलस्तर हुआ है, अब इसी पर घर हमारा रुक गया, अब नहीं बनेगा, अब देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों बहुत तेज़ी से बारिश आई, आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट बताइए आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं। देखिए हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, अभी तो बारिश के साथ साथ हवा इतना ज़्यादा है कि सारा पानी घर में ही आ रहा है। और इस समय आप लोग हमारा घर का छितर बितर देख सकते हैं, बस यही है, यही दोनों दुकान पलस्तर हो पाया है दोस्तों, और नहीं तो बस इसी पर रुक भी गया है काम। और देखिए ईटा कन्हैया जी का है, उनका है कन्हैया का, और वो यहाँ पर दो टाली में ईटा गिरा हुआ है, दो तीन टाली शायद गिरा हुआ है, और भी काम शुरू करवाने वाले थे लेकिन पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि उनके भी चैनल पे प्रॉब्लम, हमारे भी चैनल, हर एक दोनों लोग के चैनल पे इतना प्रॉब्लम आ रहा है कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और दोस्तों अभी दिखा रहे, चलिए अपना छत देखिए, अभी सब ऐसे ही पड़ा है, कहीं पलस्तर वलस्तर नहीं हुआ है। और यहाँ पर हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली बारिश के डर से कोने में आए हैं लोग। हाँ दोस्तों देखिए हाँ दोस्तों देखिए पूरा बिस्तर उस्तर कहाँ पर रखा है, क्योंकि दोस्तों देखिए बिस्तर उस्तर वहाँ पर रखाया है। अरे यहाँ पर ये लोग आकर बैठे हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग सोचे थे पलस्तर होगा। हाँ ऊँच हुआ था क्या करे के, तो दोस्तों हम लोग जान रहे थे पलस्तर हो जाएगा, जल्दी से हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन सब छितर बितर हो गया, फिर अब सामान ऐसे ही रखना पड़ेगा, पलस्तर तो कैंसिल। और देखिए यही हमारे छत पर से नज़ारा दिखेगा, सीढ़ी पर से देखिए है हमारा रोड, और ये है हमारा खेत बाड़ी, और यहाँ पर है हम जो कि बारिश हुए परसा, और बारिश से बहुत ज़्यादा बारिश रहा है, पता नहीं क्यों आज इतना दिमाग खराब करके भगवान जी रखे। दो तीन दिन हम गर्म गर्म हवा दिए हैं, अब इतना ठंडा हवा दे रहे हैं, देखिए एक लोग को ठंडी मार दी है। दोस्तों देखिए हमारा बेटा बड़ा हो गया ना, आप लोग कमेंट बताइएगा। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, बोला हेलो दोस्तों ना, बोलवा हग दे पहले बोलवा और कुछ नहीं बोला, हगने को बोला हगने। अच्छा अबे देखिए दोस्तों पा दिया तू तो आर मम्मी तार पापा तार दीदी तार दीदी कहा नहीं है तार दीदी कह दे अच्छा कहते तोहार दीदी चल माड़ा उड़ा गाड़। तो दोस्तों मेरा बाबू बोलने को सीख गया है, बहुत प्यारे प्यारे चीज बोलता है मेरा डुक्कू। ये कपड़ा मेरी मौसी दी थी जब बाबू जाना 4-5 महीने का था, अभी भी इसको हो जा रहा है। एक दे ले नानी, नानी दे ले कपड़ा, नानी दे ले, नानी दे ले बाबू का, नानी दही चूरा दे ले नानी, कहते नानी हो एक और कपड़ा खरीद के दे दा, बोले बा नानी हो और कपड़ा छोड़ पाता, एकदम बदमाश हो गया दोस्तों हमारा बच्चा। तो दोस्तों आप सभी को हमारा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इस समय तो हम लोग परेशान हैं, आप लोग जान ही रहे हैं, और बुन्नी बरखा से देखिए हम लोग आप देखिए बाबू अपने जगह फिर जाकर बैठ गया, मेरा लल्ला कितना क्यूट लगता है, देखिए चलिए दोस्तों बाय 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 कर बेटा बाय बाय।